प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ एक घातांक के सूत्र जो है वो पढ़ने होंगे। वैसे तो ये सूत्र हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कई बार लंबा टाइम होने के बाद भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे घातांक के सूत्रों में पहला सूत्र है a पावर m गुणा a पावर n। ये जो डॉट लगा है गुणा का निशान है। अब देखिए यहाँ आधार बराबर है तो गुणा करते समय पावर जुड़ जाएगी, a पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरा सूत्र a पावर m बाई a पावर n। अब डिवाइड करते समय क्या होगा, अगर आधार बराबर है तो पावर माइनस हो जाती है। तीसरा सूत्र a पावर m और फिर इसकी पावर n। देखिए अगर ऐसा है तो इन पावर्स की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, a पावर m गुणा n। और अगर a पावर m गुणा b पावर m, पहले और चौथे में अंतर देखिए, यहाँ पर आधार सेम था, पावर अलग अलग थी, यहाँ पावर सेम है, आधार अलग अलग है, तो a b की पावर m हो जाएगी। इसी तरह से a पावर m बाई b पावर m। अब देखिए यहाँ पावर सेम है, आधार अलग अलग है, तो हम इकट्ठी एक पावर लगा सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी संख्या की पावर जीरो जो है वो हमेशा एक के बराबर होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि a पावर माइनस एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे a लिख सकते हैं या a पावर एक लिख सकते हैं, पावर एक तो चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। तो इसी तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी हेल्प से कि a पावर जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक प्लस में माइनस एक लिख सकता हूँ। अब पहला सूत्र उल्टा लगा दीजिए, ए पावर एक गुणा ए पावर माइनस एक हो गया, ए पावर ए तो ए ही हो गया और ए की पावर माइनस एक एक बटे ए हो गया, तो ये कैंसिल होकर के क्या आ जाता है, एक आ जाता है। तो ए की पावर जीरो जो है वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर। एक बार फिर से देखिए, ए पावर जीरो को हम समझने जा रहे हैं कि एक के बराबर क्या होता है। जीरो को लिख दिया मैंने एक प्लस माइनस एक, फिर ये अलग अलग कर दिया और a पावर माइनस एक 1/a होता है, a से a कैंसिल हो गई, एक आ जाएगा। तो किसी भी संख्या की पावर अगर हम जीरो लगाएं तो क्या होगा, एक के बराबर होगा, ये ध्यान रखना आपने। अब इतने सूत्र समझने के बाद आइए प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब प्रश्नावली 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि 64/1/2। इसी तरह से बाकी दो और पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले पहले पार्ट का हल करते हैं, 64/1/2। अब देखिए 64 के गुणनखंड बनाइए आप, 32 × 64, 16 × 32, 8 × 16, 2 × 8 और 2 × 4। तो यहाँ 64 को मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 2 है तो 2/6 और उसकी पावर 1/2। अब देखिए ये हमें पता है कि इस तरह से अगर पावर के फिर से अगर किसी पावर वाले संख्या की पूरी की फिर से पावर लगी हो तो आपस में ये पावर से पावर गुणा हो जाती है,
दो की पावर 6 गुणा 1/2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 1 2, 2 3 से 3 पे कट हो जाएगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, 32 पावर 1/5। अब 32 अगर हम देखें तो देखिए इसको बोल दीजिए 32, यहाँ से इस तरह से गुणनखंड बन जाए इसके, तो 32 पावर 1/5 है, तो 32 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पावर 5, फिर उसकी पावर 1/5। अब पावर वाली संख्या की फिर से पावर है पूरे की, तो ये पावर से पावर गुणा हो जाएगी, 2 पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर 1 अर्थात 2 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट है 125 पावर 1/3। 125 के अगर आप गुणनखंड बनाएंगे तो 5 पे कट होएगा, 25 5 125, 5 5 25, ये आ गया 5 पावर 3। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3, और फिर इसकी पावर कितनी है 1/3, तो 5 पावर 3 और 1/3 की गुणा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इसका, 5 पावर 1 अर्थात 5 आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 9 पावर 3/2 दिया हुआ है। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर 2 लिख दूं, और ऊपर 3/2 पावर, 3/2 पावर मैंने इसके लगा दिए। अब 3 पावर 2 गुणा में 3/2, कौन सा सूत्र लगाया है, क्योंकि ए पावर एम पावर एन क्या होता है, ए पावर एम एन, ये वाला सूत्र लगाया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगी, 3 पावर 3 कितनी हो जाएगी, 3 3 होती 27 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। बत्तीस पावर 2/5, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 5 लिख सकता हूँ, ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन में गुणनखंड बना के किया था ऐसे लिख दे, फिर इसकी पावर कितनी है 2/5, फिर ये इस उत्तर इसका कारण में दे दे, और इसका लिखेंगे 2 पावर 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2 दुनी 4 आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, 16 की पावर 3/4 दिया हुआ है। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4, क्योंकि 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, और फिर उसकी पावर 3/4 है, तो 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है, 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3 देखिए, 125 को लिख सकता हूँ 5 पावर 3, फिर इसकी पावर -1/3 है, तो 5 पावर 3 गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर -1, 5 पावर -1 का मतलब 1/5 आंसर आ जाएगा। 1/5 क्यों होगा, क्योंकि ए पावर माइनस 1 = 1/1 इसका कारण दे दीजिए, और इन क्वेश्चन में जहाँ पर जो आप सूत्र लगा रहे हो वही सूत्र इसके रीजन में दे दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। यहाँ पर भी चार पार्ट है। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं हम। पहले पार्ट में दिया कि 2^2/3 गुणा 2^1/5। अब देखिए यहाँ पर आधार सेम है, पावर अलग अलग है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, a^m × a^n, a^m + n। तो वही यहाँ पर हम लगा देते हैं कि आधार सेम है, पावर गुणा करते समय ऐड हो जाएगी 2/3 + 1/5। अब 2^3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15। 15 को 3 से भाग देंगे, 5, 5 × 2 = 10। 15 को 5 से भाग दिया, 3, 3 = 3। 2^13/15 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में दिया हुआ आपको 1/3 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 7 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर -3, क्योंकि नीचे से जो पावर ऊपर आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसी तरह से ऊपर से नीचे जाते समय। अब इसका कारण दे दीजिए, क्योंकि a^-1 = 1/a होता है और 3 की पावर इनके आपस में गुणा हो जाएगी, -3 × 7, 3^-21। इसका कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि a^m × a^n = a^m+n। तो ये 3^-21 इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, 11^2/11^4। तो एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि a^m/a^n, अगर आधार सेम हो तो भाग करते समय पावर्स घट जाती है, माइनस हो जाती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 11^2 - 1/4। 11^2 - 1/4 करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2 - 1, 11^1/4 आंसर आ जाएगा। और अब इसका लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट ये वाला पार्ट है, 7^1/2 × 8^1/2। सात पावर एक बटे दो गुणा 8^1/2। अब देखिए, a^m × b^m, a b^m के बराबर होता है। तो 7 × 8, पावर इकट्ठी सेम ही लग जाए क्योंकि पावर सेम है, आधार अलग अलग है। तो 7, 8 = 56, 56^1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कोने में यहाँ पर एक लाल रंग का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक घंटी का चिन्ह है, उसे दबाकर जो है नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करें। इससे मेरे नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपके पास यूट्यूब या ईमेल के माध्यम से पहुंचते रहेंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।